बैठ को नींद में एक खतरा निकल जाता है, क्या इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है? बगैर गुस्ल के उसी कपड़ों में नमाज हो जाती है या नहीं? कितनी मकदार में पेशाब फतह होने से गुस्ल फर्ज होता है? पेशाब फतह होने से गुस्ल फर्ज नहीं होता है, वो नींद में हो या जागते में हो। एक कतरा पेशाब निकले या ज्यादा निकले, जितने कपड़े पर पेशाब लगा है, अगर उस वक्त वो नजाकत पेशाब की मरइया है, नजर आ रही है, तो उतने को उससे को धो ले। और अगर पेशाब फता है और देर के बाद वो उठा, कपड़ा सूख गया, तो तीन मरतबा उस कपड़े को धो लेना जरूरी है। इस तौर पर कि हर बार वो कपड़ा धोए और खूब ताकत से निचोड़े कि यकीन जंग गालिब हो जाए, यकीन हो जाए कि अब मजीद खतरे नहीं टपकेंगे। इसी तरीके से दूसरी मरतबा करे, फिर तीसरी मरतबा करे, फिर इस सूरत में उसका कपड़ा पास हो जाएगा और जितने हिस्से पर बदन के पेशाब बहा है उतने हिस्से को पाक कर ले। इस सूरत में नहाना जरूरी नहीं है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।